नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, मैंने आपको एक दो दिन पहले ही खबर दी थी कि अक्षय कुमार ने मुंबई में पहली शूटिंग की है लॉकडाउन के बीच में। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या क्या हुआ है, किस तरीके से सावधानियां बरती गई हैं और क्या है इस फिल्म में, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बॉलीवुड हेडलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये 2.5 या 3 घंटे की कोई फिल्म नहीं है, ये एक एड शूट है। आप इसको एक एड भी कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं। ये शूट आप लोगों के लिए ही किया गया है, कोरोना वायरस पर ही किया गया है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मंत्रालय ने अक्षय कुमार और आर बाल्की को कॉन्टेक्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए बात की थी कि उसके लिए स्क्रिप्ट रेडी की जाए और एक शूट की तैयारी की जाए, जिसके बाद में 1.5 पेज की एक स्क्रिप्ट को तैयार किया गया। और इसके जब ये स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो उसके बाद मंत्रालय से परमिशन के लिए बात की गई। डेट फिक्स हुई थी दोस्तों 22 मई और 23 मई की, लेकिन 22 और 23 मई में कुछ हो नहीं पाया और मंत्रालय ने भी जब परमिशन ली तो कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन फाइनली 25 मई को इस फिल्म की शूटिंग की गई। ये लग रहा था कि ये एड फिल्म 1 या 2 दिन में शूट होगी, ये 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि 2.5 से 3 घंटे में इसे आराम से शूट कर लिया गया। पर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन का समय है और कोरोना के इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ऐसे में कोरोना स्प्रेड हो सकता है, ये डर आपके मन में आ जाता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई एक सेट पे कम से कम 100 लोग या 60-70 लोग तो होते हैं। नहीं दोस्तों, ये इस सेट पे 60-70 लोग नहीं थे। इस शॉर्ट फिल्म को, इस एडवर्टीजमेंट को सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के अंदर ही शूट किया गया है, ज्यादातर लोगों को नहीं ले जाया गया। और अक्षय कुमार ने खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव किया है, कोई ड्राइवर नहीं लेके गए हैं, खुद ड्राइव किया है, सेट पे लेके गए हैं, कोई कॉस्ट्यूम चेंजिंग नहीं थी, एक ही कॉस्ट्यूम में इस पूरी एड फिल्म को शूट किया गया है। यहाँ तक कि सिनेमाटोग्राफर्स जो है वो भी सिर्फ एक असिस्टेंट के साथ में इस एड फिल्म को शूट किया गया है। और यहाँ पूरा जितना स्टाफ को कट किया जा सकता है उतना ज्यादा कट किया गया है, उतना ज्यादा कम किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी एड फिल्म जो है वो 1 मिनट 90 सेकंड्स की रहेगी। इस फिल्म के अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है और जब इसे खोला जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी अपने काम पर जाने से पहले, ये सभी चीजें आपको इसके अंदर नजर आने वाली है। अब ये एड फिल्म एडिट के लिए जा चुकी है, 1 या 2 दिन में ये बाहर आ जाएगी, सरकार की तरफ से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर आप भी देख पाएंगे कि क्या है एक्चुअली में इस एड फिल्म के अंदर, क्या क्या आप लोग को सावधानियां बरतनी है अपने काम पर जाने के लिए। पर दोस्तों, इस एड फिल्म में अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि उनके साथ एक और एक्टर भी है जिनका नाम है अतुल श्रीवास्तव, वो भी इस एड फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस न्यूज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।